कोई बालक स्वेच्छा से मजदूर नहीं बनता, उसकी मजबूरी ही उससे मजदूरी करवाती है। जिन बच्चों के माँ बाप गरीब होते हैं, बीमार, असमर्थ या असहाय होते हैं, या जो बच्चे अनाथ होते हैं, वे ही पेट पालने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। कानून के अनुसार बच्चों से मजदूरी कराना अपराध है। उन्हें पालने और शिक्षा देने का दायित्व सरकार का है, परंतु भारत सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह अपने हर नागरिक को अन्न, वस्त्र और शिक्षा दे सके। परिणाम स्वरूप भारत की अधिकतर आबादी राम भरोसे है, उसे स्वयं जैसे तैसे मजदूरी करके पेट भरना पड़ता है। करोड़ों करोड़ों तब भी भूखे पेट सो जाते हैं। जो बच्चे भूखे पेट सोने का दर्द जानते हैं, वे ही मजबूरी से मजदूर बनना स्वीकार करते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या भारत में कभी बाल मजदूरी का अभिशाप समाप्त होगा? आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? इसका उत्तर एक ठोस और सशक्त सरकार दे सकती है। यदि कभी भारत में संवेदनशील और सख्त सरकार आई, तभी हर बच्चे को हथौड़े की जगह किताब पकड़ाई जाएगी। उनके पालन पोषण का जिम्मा सरकार का होगा। तब तक सामाजिक संगठनों, विचारकों, साहित्यकारों को बातचीत के जरिए यह सपना जिंदा रखना चाहिए कि एक दिन भारत बाल मजदूरी के अभिशाप से मुक्त होकर रहेगा।